हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग देखने वाले हैं एंटी माइक्रोबियल प्रोफाइल एक्सिस इन सर्जरी। बहुत मज़ा आने वाला है, एंड तक बने रहना। और लिम्बू वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा तो प्लीज़ एंड तक बने रहना। सर्जिकल साइट इन्फेक्शंस आर अ सिग्निफिकेंट कॉज ऑफ मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी। अप्रॉक्सिमेटली 2 to 5% ऑफ पेशेंट अंडरगोइंग क्लीन एक्स्ट्रा एब्डोमिनल ऑपरेशंस एंड 20% अंडरगोइंग इंट्रा एब्डोमिनल ऑपरेशंस विल डेवलप एन SSI. SSI have become the second most common cause of nosocomial infection and this data are likely underestimated. So basically जो surgical site infections होते हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब significant causes morbidity and mortality, और 2 to 5% जो patient जो रहते हैं 2 to 5% patient जो रहते हैं जो extra abdominal surgery से हो गए होते हैं तो उनके अंदर उतने चांसेस होते हैं या उतने चांसेस होते हैं कि वो सर्जिकल साइट इन्फेक्शन डेवलप हो सकता है। और जो इंटर एब्डोमिनल ऑपरेशंस से हो चुके हैं उनके अंदर 20% चांसेस रहता है कि वो डेवलप कर सकते हैं सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। अब सर्जिकल साइट इन्फेक्शन जो है वो सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नोजोकोमियल इन्फेक्शन है। नोजोकोमियल इन्फेक्शन वो होता है जो एडमिट हॉस्पिटल में वार्ड में एडमिट होने के कुछ घंटों के बाद इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है, तो उसको नोजोकोमियल इन्फेक्शन बोल सकते हैं। इसका एग्जांपल है निमोनिया। निमोनिया बेसिकली देखो कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया भी होता है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया भी होता है, तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया को नोजोकोमियल इन्फेक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन। सो सर्जिकल साइट इन्फेक्शन नेगेटिवली अफेक्ट पेशेंट आउटकम एंड इंक्रीज हेल्थ केयर कॉस्ट। पेशेंट हु डेवलप SSI आर 5 times मोर लाइकली टू बी री एडमिटेड टू द हॉस्पिटल एंड हैव ट्वाइस द मॉर्टेलिटी ऑफ पेशेंट्स हु डू नॉट डेवलप एन SSI। अ पेशेंट इन्फेक्टेड विद एन SSI इज ऑल्सो 60% मोर लाइकली टू बी एडमिटेड टू एन इंटेंसिव केयर यूनिट। क्लिनिकल स्टडीज हैव शोन दैट SSI इंक्रीज लेंथ ऑफ हॉस्पिटल स्टे एंड कॉस्ट। द टाइप ऑफ SSI कैन ऑल्सो अफेक्ट आउटकम। डीप सर्जिकल साइट इन्फेक्शन इन्वॉल्विंग ऑर्गन्स और स्पेस रिजल्ट इन लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ हॉस्पिटल स्टे एंड हायर कॉस्ट कंपेयर टू द सर्जिकल साइट दैट आर लिमिटेड टू द इंसिशन। देखो बेसिकली अगर समझो कि कोई पेशेंट है जो सर्जरी मतलब जो जस्ट सर्जरी से होके आया हो और उसको अगर और उसको इन्फेक्शन डेवलप हो गया हो जिसको अपन बोलते हैं सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, तो सर्जरी इससे क्या होता है कि बेसिकली जो कॉस्ट होता है जो हेल्थ मतलब जो नॉर्मल कॉस्ट होता है उससे थोड़ा ज़्यादा हो जाता है क्योंकि मेडिसिन वगैरह लेनी होती है उसको क्योर करने के लिए, तो उसके लिए। और दूसरा जो चीज़ है कि जो स्टे अभी जैसे जो स्टे का प्रोसेस होता है कि भाई जल्दी डिस्चार्ज हो जाने वाला होता है तो वो थोड़ा सा लेट डिस्चार्ज होता है, तो एक तो ये है। और दूसरा कि मतलब पेशेंट जो है अभी बेसिकली होता क्या है, एक नॉर्मल से अगर हम एक सुपरफिशियल बात करते हैं कि हम देख रहे हैं प्रोफाइल एक्सिस है ना, एंटी माइक्रोबियल प्रोफाइल एक्सिस इन सर्जरी, तो एक्चुअली देखो इसमें एक्चुअली है कैसा कि सर्जरी के थ्रू अगर समझो कि इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है तो उसको ट्रीट करना होता है ना। अभी बेसिकली ये होता कैसे किस टाइप से होता है वो देखो, तो वो होता कैसे जैसे कि अगर समझो कि कुछ प्रिवेंटिव या फिर बोल सकते हैं कि जो प्रोसेस है जो प्रोसीजर किया है सर्जरी के लिए जो प्रोसीजर्स करते हैं सर्जरी के लिए अगर वहाँ पर कुछ कंटेमिनेशन हो या फिर स्टेरिलाइज्ड एरिया ना हो या फिर जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं सर्जरी के लिए वो स्टेरिलाइज ना हो या फिर इवन कि अगर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ सर्जरी है तो कैसा होता है कि बेसिकली जो कुछ ना कुछ रीज़न के थ्रू अगर कंटेमिनेशन वगैरह कुछ हो जाता है तो उससे बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि इन्फेक्शन फैल सके। तो ये एक हमने ऊपर से सुपरफिशियली एक आइडिया ले लिया है। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। SSI डिफाइंड एंड रिपोर्टेड अकॉर्डिंग टू द सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन क्राइटेरिया। SSI आर क्लासिफाइड एज इधर इंसिशनल और ऑर्गन और स्पेस। इंसिशनल SSI आर फर्दर डिवाइडेड इंटू सुपरफिशियल इंसिशनल SSI
एंड डीप इंसिशनल एसएसआई, सुपरफिशियल इंसिशन, सुपरफिशियल सर्जिकल इन्फेक्शन स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू और इंसिशनल सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, डीपर सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द इन्फेक्शन इंसिशन सॉरी ऑर्गन या फिर इसको स्पेस एसएसआई इन्वॉल्व एनी एनाटॉमिक साइट अदर देन द इंसाइज्ड एरिया. फॉर एग्जांपल अ पेशेंट हु डेवलप मेनिनजाइटिस आफ्टर रिमूवल ऑफ अ ब्रेन ट्यूमर कुड बी क्लासिफाइड हैज हैविंग एन ऑर्गन या स्पेस एसएसआई. एन इन्फेक्शन इज कंसिडर्ड एन एसएसआई इफ एनी ऑफ द अबव क्राइटेरिया इज मेट एंड द इन्फेक्शन अकर्स विद इन 30 days ऑफ द ऑपरेशन. अब अ प्रोस्थेटिक इज इम्प्लांट इन द टाइम लाइन एक्सटेंड आउट ऑफ द 1 year. सो बेसिकली देखो सर्जिकल साइट इन्फेक्शन जो है अकॉर्डिंग टू द डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन क्राइटेरिया के थ्रू अगर देखा जाए तो सर्जिकल साइट इन्फेक्शन जो है दो टाइप में क्लासिफाई होते हैं नॉर्मली तो देखा जाए तो उसमें सबसे पहला कौन सा है, एक तो इंसिशनल है या फिर उसको ऑर्गन या स्पेस भी बोलते हैं, और सेकेंड जो है वो हमारा है सेकेंड जो है वो है हमारा सुपरफिशियल वाला. ठीक है, तो सुपरफिशियल इंसिशनल एसएसआई और डीप इंसिशनल एसएसआई. ठीक है, तो सुपरफिशियल इंसिशनल एसएसआई जो रहता है वो स्किन या सबक्यूटेनियस टिश्यू वहाँ पर इन्फेक्शन होता है, और जो डीप इंसिशनल एसएसआई होता है वो डीपर सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द इंसिशन में होता है. ठीक है, तो ऑर्गन या फिर स्पेस सर्जिकल साइट इन्फेक्शन इन्वॉल्विंग एनी एनाटॉमिक साइट अदर देन द इंसाइज्ड एरिया. ठीक है, अभी जैसे देखो पेशेंट जो है अगर वो सर्जरी से हो आया और उसको ब्रेन ट्यूमर था, अभी ब्रेन ट्यूमर की जो सर्जरी थी वो सक्सेसफुली ऑपरेट हो गई है. ठीक है, और पर पेशेंट जो था उसको मेनिनजाइटिस हो गया, तो वो जो एक एग्जांपल है ऑर्गन या स्पेस एसएसआई का एग्जांपल है. ओके, और कुछ क्राइटेरिया होता है जैसे अभी जैसे इन्फेक्शन डेवलप हो गया 30 days के अंदर, तो वो भी एक क्राइटेरिया होता है. और अगर समझो कि कुछ डिवाइसेस या कुछ भी जो चीज़ होती है जैसे एग्जांपल कैथेटर्स है, ये अगर ऐसे सब डिवाइसेस इम्प्लांट किए गए हो तो 1 साल के अंदर अगर इन्फेक्शन डेवलप होता है तो वो भी आता है सर्जिकल साइट इन्फेक्शन के अंदर ही. तो एपिडेमियोलॉजी एंड एटियोलॉजी, numerous risk factors for surgical site infection have been identified. These factors can be identified into 2 categories, patient and operative characters. देखो basically surgical site infection जो होते हैं इनको दो categories में divide किया गया है, एक patient और दूसरा होता है operative characteristics. patient factors देखा जाता है, patient risk factors देखा जाता है surgical site infection में, जैसे कि age है, comorbid disease स्टेट्स है, स्पेशली जो होता है क्रोनिक और क्रोनिक लंग डिजीज़ और डायबिटीज़ और माल न्यूट्रिशन है, या फिर इन वो पेशेंट जो है वो ऑलरेडी इम्यूनोसप्रेसेंट्स ले रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो वेरी करती है, और वो जो है बहुत इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर्स होते हैं. अब जो दूसरा आपने देखा कि ऑपरेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे मैंने बताया कि कुछ प्रोसीजर्स होते हैं सर्जरी करने के लिए, तो अगर समझो कि कंटामिनेशन वगैरह कुछ हो गया या फिर कुछ भी दूसरी रीजन से हो गया जो कि ऑपरेटिव कैरेक्टरिस्टिक के थ्रू हुआ है, मतलब समझो कि जो पेशेंट का उसमें कुछ रोल नहीं था, तो वो अंदर आ जाता है ऑपरेटिव कैरेक्टरिस्टिक के थ्रू. ओके, देखो ऑपरेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स जो रहता है बेस्ड ऑन द एक्शन ऑफ बोथ द पेशेंट एंड द ऑपरेटिंग स्टाफ. ओके, मतलब जो ये किस चीज़ के ऊपर बेस्ड होता है, ये बेस्ड होता है पेशेंट और ऑपरेटिंग स्टाफ दोनों के ऊपर बेस्ड होता है. ठीक है, शेविंग ऑफ द सर्जिकल साइट प्रायर टू द ऑपरेटिंग कैन प्रोड्यूस माइक्रोस्कोपिक लेसरेशन एंड इंक्रीज द चांसेस ऑफ एसएसआई. मेंटेनिंग एसेप्टिक टेक्निक्स एंड प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन ऑफ द मेडिकल इक्विपमेंट इज इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग एसएसआई. सर्जिकल स्टाफ शुड वॉश हैंड्स थरली. पोस्ट ऑपरेटिव बैक्टीरियल इनोक्यूलम ऑफ क्लीन सर्जरीज आर जनरली स्मॉल. हाउएवर सब्सिक्वेंट पेशेंट कॉन्टैक्ट विद कंटेमिनेटेड एरियाज नेयर्स और रेक्टम्स एंड देन द सर्जिकल साइट कैन लीड टू एसएसआई. फाइनली द एप्रोप्रिएट यूज ऑफ एंटी माइक्रोबियल प्रोफाइलेक्सिस कैन हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन डिक्रीजिंग एसएसआई. जैसा मैंने बताया कि कुछ प्रोसेस या प्रोसीजर्स के अंदर अगर समझो कि सेप्टिक नहीं है,
और ठीक से स्टेरिलाइज नहीं है जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, या फिर ऑपरेटिंग जो रूम जहाँ पर ऑपरेशन हो रहा है वो रूम जो है वो मतलब कंडीशन अच्छी नहीं है, साफ़ सुथरा नहीं है, मतलब सेप्टिक, वो भी थोड़ा सा ऐसा गंदा है, तो चांसेस हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो है एंटी माइक्रोबियल का यूज़ कर सकते हैं एज अ प्रोफाइल एक्सेस, तो उससे सर्जिकल साइट इन्फेक्शन को कम हो सकता है चांसेस। प्रॉपरली आइडेंटिफाई द स्टेट ऑफ एन इन्फेक्शन इज इम्पॉर्टेंट व्हेन यूजिंग एंटी माइक्रोबियल प्रोफाइल एक्सेस इन सर्जरी। एंटीबायोटिक प्रोफाइल एक्सेस बिगन्स विद द प्रीमाइस दैट नो इन्फेक्शन एग्जिस्ट, बट दैट ड्यूरिंग सर्जरी देयर कैन बी अ लो लेवल ऑफ इनोक्युलम ऑफ बैक्टीरियम इंट्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। हाउएवर इफ सफिशियंट एंटीबायोटिक कंसंट्रेशन आर प्रेजेंट द सिचुएशन कैन बी कंट्रोल्ड विदाउट इन्फेक्शन डेवलपिंग। दिस इज द केस व्हेन सर्जरी इज डन अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। देर आर मेजर ब्रेक्स इन टेक्निक और स्पिलेज ऑफ गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल कंटेंट्स एंड परफोरेशन और डैमेज टू द सर्जिकल साइट इज एब्सेंट। एन एग्जाम्पल वुड बी इलेक्टिव हिस्टेरेक्टोमी डन विद ऑप्टिमल सर्जरी टेक्निक्स। सो बेसिकली देखो यहाँ पर क्या देखा है कि भाई जो अभी समझो कि एग्जाम्पल है कि अगर कोई बैक्टीरिया ब्लड में प्रेजेंट होता है तो उसको हम उस कंडीशन को हम बोलते हैं बैक्टेरेमिया, ठीक है। तो अब स्पेसिफिकली हमें ये देखना है कि किस टाइप का बैक्टीरिया या कौन सा टाइप का जो है हमें एंटीबायोटिक देना चाहिए, यानी अगर जितना हो सके उतना ज़्यादा स्पेसिफिक होगा तो उतना नैरो स्पेक्ट्रम ऑफ एंटीबायोटिक्स देंगे। उससे क्या होगा कि जो रेजिस्टेंस जो डेवलप होने के चांसेस होते हैं वो कम होते हैं, ठीक है। पर एक्चुअली ऐसा नहीं होता। प्रोफाइल एक्सेस में कैसा होता है कि भाई वाइड रेंज ऑफ स्पेक्ट्रम यूज़ करते हैं, ठीक है। नैरो रेंज ऑफ स्पेक्ट्रम यूज़ करने के लिए हमें पहले डायग्नोस करना पड़ता है कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो ब्लड में है या फिर जो इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, ठीक है। तो ये एक है। और इफ़ एन इन्फेक्शन इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट और प्रेज्यूम टू बी प्रेजेंट देन एंटी माइक्रोबियल इज़ फॉर ट्रीटमेंट नॉट प्रोफाइल एक्सेस एंड द गोल इज़ टू एलिमिनेट द इन्फेक्शन। दिस इज़ द केस व्हेन देयर इज स्पिलेज ऑफ जीआई कंटेंट ग्रॉस डैमेज और परफोरेशन इज ऑलरेडी प्रेजेंट और द टिश्यू बीइंग ऑपरेटेड इन इज एक्चुअली इन्फेक्टेड। पस इज प्रेजेंट एंड कल्चर आर पॉजिटिव। एन एग्जाम्पल वुड बी पेशेंट अंडरगोइंग सर्जरी फॉर अ रप्चर्ड अपेंडिक्स विद अ डिफ्यूज पेरिनोटिस। देखो बेसिकली क्या होता है, देखो प्रोफाइल एक्सिस एक्चुअली हो प्रोफाइल एक्सिस का मतलब ये है, प्रोफाइल एक्सिस ट्रीटमेंट का ये है कि भाई पेशेंट को डेवलप नहीं हुआ है पर हो सकता है, इसीलिए उस टाइम के लिए हम एंटीबायोटिक को प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। अगर समझो कि इन्फेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट है तो हमें ट्रीट करना होगा, ना कि उसको प्रोफाइल एक्सेस के थ्रू, मतलब उसको प्रोफाइल एक्सेस एंटीबायोटिक्स नहीं देनी होगी, उसको ट्रीटमेंट के लिए देना होगा, ठीक है। अब जैसे कि हमने देखा कि अगर एक केस है जहाँ पर जीआई कंटेंट जो है स्पिलेज ग्रॉस डैमेज और परफोरेशन इज ऑलरेडी प्रेजेंट और द टिश्यू बीइंग ऑपरेटेड ऑन इज एक्टिवली इन्फेक्टेड, ठीक है। जो टिश्यू है जो ऑपरेट कर रहे हैं वो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, जहाँ पर पस प्रेजेंट होता है और कल्चर पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल भी है, जो पेशेंट जो है सर्जरी सर्जरी करते हैं रप्चर्ड अपेंडिक्स विद डिफ्यूज पेरिनोटिस। द डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रोफाइल एक्सेस एंड ट्रीटमेंट इन्फ्लुएंसेस द चॉइस ऑफ एंटी माइक्रोबियल एंड ड्यूरेशन ऑफ थेरापी। अप्रोप्रिएट एंटी माइक्रोबियल सिलेक्शन डोजिंग एंड ड्यूरेशन ऑफ थेरापी डिफर सिग्निफिकेंटली बिटवीन दिस टू सिचुएशन। अ रेजिमेंट फॉर एंटी माइक्रोबियल प्रोफाइल एक्सेस आइडियली इन्वॉल्व्स वन एजेंट एंड लास्ट लेस देन 24 आवर्स। ट्रीटमेंट रेजिमेंट कैन इन्वॉल्व मल्टीपल एंटी माइक्रोबियल विद द ड्यूरेशन लास्टिंग वीक्स टू मंथ्स डिपेंडिंग ऑन द डिजायर्ड एंटी माइक्रोबियल कवरेज इन द सर्जिकल साइट। अब यहाँ पर हमने देखा कि देखो प्रोफाइल एक्सेस जब करते हैं या फिर ट्रीटमेंट करते हैं दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, क्योंकि प्रोफाइल एक्सेस में जो डोज यूज़ होते हैं जो मेडिसिन यूज़ होते हैं वो ट्रीटमेंट में थोड़ा सा अलग क्राइटेरिया यूज़ किया जाता है, ठीक है। मतलब अभी जैसे हमने देखा होगा टीबी में प्रोफाइल एक्सेस जो थेरापी होगी वो अलग होगी, जबकि उसकी एक्चुअल ट्रीटमेंट थेरापी अलग होती है। मेडिसिन तो सेम होते हैं पर कुछ एक्स्ट्रा मेडिसिन भी ऐड किए जाते हैं, ठीक है। एडिटिव्स या फिर एडिटिव्स नहीं सॉरी कुछ एक्स्ट्रा मेडिसिन भी डालते हैं, ठीक है। ड्रग्स तो यहाँ पर वही है, ट्रीटमेंट
ट्रीटमेंट रेजिमेंट जो है वो चेंज हो जाती है। टाइप्स ऑफ सर्जिकल ऑपरेशन, सर्जिकल ऑपरेशन आर क्लासिफाइड एज क्लीन, क्लीन कंटामिनेटेड, कंटामिनेटेड और डर्टी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देख रहे हैं कि कितने टाइप्स की सर्जिकल ऑपरेशन है। सबसे पहला जो है वो क्लीन है, सेकेंड जो है क्लीन कंटामिनेटेड है, और थर्ड जो है कंटामिनेटेड या फिर डर्टी जिसको बोलते हैं। एंटी माइक्रोबियल प्रोफाइलेक्सिस इज अप्रोप्रिएट फॉर क्लीन, क्लीन कंटामिनेटेड एंड कंटामिनेटेड ऑपरेशन। ओके, डर्टी ऑपरेशन टेक प्लेस इन सिचुएशन ऑफ एग्जिस्टिंग इन्फेक्शन एंड एंटी माइक्रोबियल आर यूज फॉर ट्रीटमेंट नॉट प्रोफाइलेक्सिस। तो देखो अभी बेसिकली एंटी माइक्रोबियल से ज़्यादा मैं ज़्यादा स्पेसिफिक बोलूँगा एंटीबायोटिक। एंटी माइक्रोबियल में एंटी फंगल आते हैं, एंटी वायरल आते हैं। तो थोड़ा सा स्पेसिफिक होके मैं अगर बोलूँ तो एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस में क्या होता है कि भाई कब देते हैं, जब क्लीन कंटामिनेटेड एंड कंटामिनेटेड ऑपरेशंस हो रहा हो। डर्टी ऑपरेशंस के अंदर क्या होता है कि पेशेंट ऑलरेडी इन्फेक्टेड होता है तो वहाँ पर प्रोफाइलेक्सिस नहीं देनी है, वहाँ पर ट्रीटमेंट ही हो रहा होता है एंटीबायोटिक्स का। अब टाइप्स ऑफ सर्जिकल ऑपरेशंस, क्लीन एंड इंसिजन्स इन विच नो इन्फ्लेमेशन इज एनकाउंटर्ड इन अ सर्जिकल प्रोसीजर्स विदाउट अ ब्रेक इन स्टेराइल टेक्निक एंड ड्यूरिंग विच द रेस्पिरेटरी एलिमेंट्री एंड जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्स आर नॉट एंटर्ड। क्लीन, देखो यहाँ पर क्या है कि इंसिजन जो है वो इन्फ्लामेशन कॉज नहीं कर रहा है, ठीक है, और सर्जिकल विदाउट सर्जिकल प्रोसीजर में कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है, विदाउट अ ब्रेक इन स्टेराइल टेक्निक एंड ड्यूरिंग विच द रेस्पिरेटरी एलिमेंट्री एंड जेनिटोरेटर आर नॉट एंटर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ये पूरा जो प्रोसीजर होता है वो स्टेराइल टेक्निक के थ्रू यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये है। और क्लीन कंटामिनेटेड एंड इंसिजन थ्रू विच द रेस्पिरेटरी एलिमेंट्री और जेनिटोरेटर ट्रैक्ट इज एंटर्ड अंडर कंट्रोल कंडीशन बट नो कंटामिनेशन एनकाउंटर्ड। अब यहाँ पर क्या है कि भाई जो इंसिजन होता है वो रेस्पिरेटरी एलिमेंट्री और जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट इज एंटर्ड अंडर विच कंट्रोल कंडीशन बट कंटामिनेशन जो है वो नहीं होता, ठीक है, इज नॉट एनकाउंटर्ड। कंटामिनेटेड एन इंसिजन अंडरटेकन ड्यूरिंग ऑपरेशन इन विच देर इज मेजर ब्रेक इन स्टेराइल टेक्निक और ग्रॉस स्पिलेज फ्रॉम द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक और एन इंसिजनल इन विच एक्यूट नॉन प्यूरुलेंट इन्फ्लेमेशन इज एनकाउंटर्ड। ओपन ट्रॉमेटिक वूंड डेट आर मोर देन 12 to 24 hours ओल्ड ऑल्सो फॉल इन टू कैटेगरी। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है, ठीक है, 12 to 24 hours के अंदर वूंड के अंदर देखने को मिलेगा और थोड़ा सा क्या होगा कि भाई थोड़ा सा स्टेराइल कंडीशन नहीं होता यहाँ पर, ठीक है, स्टेराइल। और यहाँ पर जो है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और एन इंसिजन इन विच एक्यूट और नॉन प्यूरुलेंट इन्फ्लेमेशन इज एनकाउंटर्ड। ठीक है, पहले वाले में क्या देखा, देखो क्लीन वाले में हमने देखा कि यहाँ पर जो था रेस्पिरेटरी एलिमेंट्री एंड जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट में एंटर नहीं किया है, ठीक है। सेकंड में देखा क्लीन कंटामिनेटेड, यहाँ पर देखा एलिमेंट्री, देखो रेस्पिरेटरी एलिमेंट्री और जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट इज एंटर्ड अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन, ठीक है, कंट्रोल्ड कंडीशन बट नो कंटामिनेशन एनकाउंटर्ड। अब यहाँ पर कंटामिनेटेड में देखा कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है, वहाँ पर ग्रॉस पिलेज वगैरह होता है तो थोड़ा सा स्टेराइल टेक्निक तो होती है पर थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन भी देखने मिलता है, ठीक है। डर्टी और इन्फेक्टेड एन इंसिजन अंडरटेकन ड्यूरिंग एन ऑपरेशन इन विच द विसेरा आर परफोरेटेड और व्हेन एक्यूट इन्फ्लेमेशन विद पस इज एनकाउंटर्ड ड्यूरिंग द ऑपरेशन, फॉर एग्जांपल इमरजेंसी सर्जरी फॉर फीकल पेरिटोनिटिस एंड फॉर ट्रॉमेटिक वूंड वेयर ट्रीटमेंट इज डिलेड एंड देयर इज फीकल कंटामिनेशन और डिवाइटलाइज्ड टिश्यू प्रेजेंट। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं देखें कि यहाँ पर जो इंसिजन होता है तो यहाँ पर एक्यूट इन्फ्लेमेशन भी देखने को मिलेगा पस के साथ में, ठीक है, ऑपरेशन के अंदर ड्यूरिंग ऑपरेशन। और इसका एग्जांपल भी है कि फीकल पेरिटोनिटिस जो रहता है उसकी सर्जरी करने के टाइम पे ऐसा बहुत बार ऑब्जर्व किया जाता है। एंड फॉर ट्रॉमेटिक वूंड्स वेयर ट्रीटमेंट इज डिलेड एंड देयर इज फीकल कंटामिनेशन और डिवाइटलाइज टिश्यू प्रेजेंट। ओके, अब बेसिकली ये जो चार्ट है ये हमने जोसेफ टी डिपीरो से लिया है, नेशनल रेड क्रॉस वूंड क्लासिफिकेशन रिस्क फॉर रिस्क ऑफ सर्जिकल साइट इन्फेक्शन एंड एंटीबायोटिक इंडिकेशन। अब यहाँ पर क्लीन कंटामिनेटेड और डर्टी, तो क्लीन में देखते हैं नो एक्यूट इन्फ्लेमेशन और
ट्रांसेक्शन ऑफ जी आई ओरोफेरिंजियल, ठीक है, फिर जियो बिलियरी और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स, इलेक्टिव केस नो टेक्निक ब्रेक। अब यहाँ पर सर्जिकल साइट रिस्क जो रहता है वो लो रहता है, ठीक है, एंटीबायोटिक प्रोफाइल एक्सेस इंडिकेशन के इंडिकेट करके फिर उसको देना चाहिए, ठीक है, और क्लीन कंटामिनेटेड कंट्रोल ओपनिंग ऑफ एफोरमेंशनड ट्रैक्ट विथ मिनिमल स्पिलेज और मिनिमल माइनर टेक्निक ब्रेक, क्लीन प्रोसीजर्स परफॉर्म एमरजेंटली और विथ मेजर टेक्निक ब्रेक्स। सर्जिकल साइट इन्फेक्शन इसका जो रहता है वो मीडियम होता है थोड़ा सा, और एंटीबायोटिक प्रोफाइल एक्सेस भी इंडिकेटेड। अब कंटामिनेटेड एक्यूट नॉन पुरुलेंट इन्फ्लेमेशन प्रेजेंट मेजर स्पिलेज और टेक्निक ब्रेक ड्यूरिंग क्लीन कंटामिनेटेड प्रोसीजर। अब यहाँ पर सर्जिकल साइट इन्फेक्शन हाई रहता है और एज वी नो दैट इसमें प्रोफाइल एक्सेस, यहाँ तक प्रोफाइल एक्सेस दे सकते हैं, डर्टी में प्रोफाइल एक्सेस नहीं, यहाँ पर ऑलरेडी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। ऑब्वियस प्री एग्जिस्टिंग इन्फेक्शन प्रेजेंट एब्सेस पस और नेक्रोटिक टिश्यू प्रेजेंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि भाई सर्जरी परफॉर्म करते हैं तो आप उस एरिया में या तो पस ऑलरेडी प्रेजेंट होता है या नेक्रोटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है, तो नॉट इंडिकेटेड एंटीबायोटिक यूज फॉर द ट्रीटमेंट। माइक्रोबायोलॉजी चूजिंग द अप्रोप्रिएट प्रोफाइलेक्टिक एंटी माइक्रोबियल रिलाइज ऑन एंटीसिपेटिंग विच ऑर्गेनिज्म विल बी एनकाउंटर्ड ड्यूरिंग ऑपरेशन। सर्जिकल साइट इन्फेक्शन आर एसोसिएटेड विद एक्स्ट्रा एब्डोमिनल ऑपरेशन आर द रिजल्ट ऑफ स्किन फ्लोरा ऑर्गेनिज्म इन नियरली ऑल केसेस। दिस ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड ग्राम पॉजिटिव कोकाई विद स्टेफेलोकोकस ऑरिसेंस स्टेफेलोकोकस एपिडर्माइटिस बींग अमोंग द मोस्ट फ्रिक्वेंट आइसोलेटेड सर्जिकल साइट इन्फेक्शन पैथोजन्स अकॉर्डिंग टू द नेशनल नोजोकोमियल इन्फेक्शन सर्वेलेंस सिस्टम। ओके, तो अकॉर्डिंग टू NNIS नेशनल नोजोकोमियल इन्फेक्शन सर्वेलेंस सिस्टम के थ्रू यहाँ पर देखा कि भाई ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होता है जैसे कोकाई है या स्टेफेलोकोकस ऑरियस है या फिर स्टेफेलोकोकस एपिडर्माइटिस है, तो ये सबसे ज़्यादा कॉमन होता है, ठीक है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली आइसोलेटेड SSI पैथोजन अकॉर्डिंग टू द नेशनल नोजोकोमियल इन्फेक्शन सर्वेलेंस। तो स्टेफ्टोकोकस स्पीशीज जो रहती है एंड अदर ग्राम पॉजिटिव एरोब्स में ऑल्सो भी इम्प्लीकेटेड। इंटर एबडोमिनल ऑपरेशन इन्वॉल्व, हाँ बेसिकली ये मैं बताना भूल गया सॉरी, कि ये जो है एक्स्ट्रा एबडोमिनल ऑपरेशन के रिजल्ट के इसमें वो देखा जाता है, ठीक है। अब इंट्रा एबडोमिनल ऑपरेशन इन्वॉल्व अ डाइवर्स फ्लोरा विद द पोटेंशियल फॉर पॉलीमाइक्रोबियल SSI ई कोलाई मेक अप अ लार्ज पोर्शन ऑफ बॉवेल फ्लोरा एंड आर फ्रिक्वेंटली आइसोलेटेड एज पैथोजेनिक अकॉर्डिंग टू NNIS। अदर एंटेरिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एज वेल एज एरोब्स स्पेशली बैक्टीरियोडिस मे बी एनकाउंटर्ड ड्यूरिंग इंट्रा एबडोमिनल ऑपरेशन। कैंडिडा एल्बिकेंसिस बींग इम्प्लीकेटेड एज द कॉज ऑफ ग्रोइंग नंबर ऑफ सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। इंक्रीज यूज ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक एंड राइजिंग प्रिवेलेंस ऑफ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज एंड ह्यूमन इम्यूनो डेफिशियंसी वायरस इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स आर फैक्टर इन फंगल सर्जिकल साइट। डिस्पाइट द इंक्रीज एंटी फंगल प्रोफाइल एक्सेस फॉर सर्जरी इज नॉट करंटली रिकमेंडेड। देखो बेसिकली क्या है कि इंट्रा एबडोमिनल ऑपरेशंस में ई कोलाई जो रहता है ये बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली देखा गया है, और बाउल ये ऑफकोर्स ये बाउल फ्लोरा है तो ये कहीं ना कहीं कॉज भी कर जाता है अगर ये ई कोलाई एक ये अगर दूसरी जगह पे चला जाए तो। और दूसरा जो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है सबसे ज़्यादा देखा जाता है इंट्रा एब्डोमिनल में, ठीक है। और अगर समझो पेशेंट जो है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में फंगल इन्फेक्शन होने के भी ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। कैंडिडा एल्बिकन्स तो ये एक है एग्जांपल, या फिर बहुत सारे हैं, तो या तो पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है या पेशेंट जो है वो HIV का पेशेंट है तो उसमें भी देखने को मिलता है, ठीक है। डिस्पाइट दिस इंक्रीज एंटीफंगल प्रोफाइल एक्सेस फॉर सर्जरी इज नॉट। देखो अभी बेसिकली एंटीफंगल सर्जिकल प्रोफाइल एक्सेस नहीं दी जाती है अगर पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज नहीं है, तो ये एक चार्ट है ये देख लेना आप लोग। सर्जिकल मेजर पैथोजेंस इन सर्जिकल वुंड इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा जो है स्टेफेलोकोकस ऑरियस है, कोएगुलस नेगेटिव स्टेफेलोकोकाई है, एंटेरोकोकाई है, इकोलाई है, ठीक है। और सबसे लास्ट में देखा जाए तो बैक्टीरियोड्स फ्रेजिलिस है, ठीक है। तो ये एक चार्ट देख लेना। चूजिंग एन एंटीबायोटिक्स
अभी एंटीबायोटिक्स को चूज़ करना है तो हमने अभी देखा कि भाई अकॉर्डिंग टू, देखो अभी एन एंटीमाइक्रोबियल यूज इन सर्जिकल प्रोफाइलेक्सिस शुड बी सर्टन क्राइटेरिया यूजिंग एन एंटीबायोटिक विद अ स्पेक्ट्रम दैट कवर्स एक्सपेक्टेड पैथोजन इज क्रूशल। द एंटीबायोटिक शुड बी इन एक्सपेंसिव अवेलेबल इन पेरेंटल फॉर्मुलेशन एंड ईजी टू यूज़। एडवर्स इफेक्ट पोटेंशियल शुड बी मिनिमल। अभी देखो हम यहाँ पर एंटीबायोटिक जो चूज़ करते हैं, अगर एक नॉर्मल नॉर्मल से मैं बात करूँ तो क्या होना चाहिए कि भाई कॉस्ट जो है उसका कम होना चाहिए, इनएक्सपेंसिव होना चाहिए और इफेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। अब पेशेंट ऑलरेडी सर्जरी सर्जरी करवा रहा है, मतलब वो कॉन्शियस तो होगा नहीं, तो ओरल थेरापी नहीं देनी है यहाँ पर, पेरेंटल फॉर्मुलेशन होना है, ठीक है, जो कि इजी टू यूज़ हो, ठीक है। अब बेसिकली देखो अभी उसके जो एडवर्स इफेक्ट हो वो थोड़े से कम होने चाहिए और कोई ड्रग इंटरेक्शंस नहीं होना चाहिए, ठीक है, या फिर ड्रग का जो इफेक्ट है वो एकदम अच्छा होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। चूजिंग एजेंट विद लॉन्गर हाफ रिड्यूसेस द लाइकली नीड टू रिड्यूस रिडोज अनलेस द सर्जिकल प्रोसीजर इज प्रोलॉन्ग। ऑपरेशन कैन बी सेपरेटेड इंटू टू बेसिक कैटेगरीज, एक्स्ट्रा एबडोमिनल एंड इंट्रा एबडोमिनल। एसएसआई रिजल्टिंग फ्रॉम एक्स्ट्रा एबडोमिनल ऑपरेशन आर फ्रिक्वेंटली कॉज बाय ग्राम पॉजिटिव। देखो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल जो स्किन वगैरह पे होता है सबक्यूटेनियस पे, वहाँ ग्राम पॉजिटिव एरोब्स को देखा जा सकता है, ठीक है। और इंट्रा एब्डोमिनल में हमने अभी देखा लास्ट टाइम के ग्राम नेगेटिव बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो दस एन एंटी माइक्रोबियल विथ स्ट्रॉन्ग ग्राम पॉजिटिव कवरेज इज़ यूजफुल, जैसे सेफाजोलिन है। बेनिफिट्स फ्रॉम अ बेनाइन एडवर्स इवेंट प्रोफाइल, सिंपल डोजिंग एंड लो कॉस्ट, ओके। सेफाजोलिन को यूज़ कर सकते हैं। दिस एस्पेक्ट हैव मेड सेफाजोलिन द मेन स्टे फॉर सर्जिकल प्रोफाइलेक्सिस ऑफ एक्स्ट्रा एबडोमिनल प्रोसीजर। फॉर पेशेंट विद बीटा लैक्टम एलर्जी क्लिंडामाइसिन और वेंकोमाइसिन कैन बी यूज एज एन अल्टरनेटिव। देखो बीटा लैक्टम वाले ड्रग्स कौन कौन से होते हैं, पेनिसिलिन होते हैं, सेफालोस्पोरिन्स होते हैं, मोनोपेक्टम्स और कार्बापेनम्स वाले जो भी ड्रग्स हैं, अगर उनसे पेशेंट को अगर एलर्जी है तो हम क्लिंडामाइसिन या वेंकोमाइसिन को यूज़ कर सकते हैं एज एन अल्टरनेटिव थेरापी, ओके। चूजिंग एन एंटीबायोटिक में अभी दूसरा है इंट्रा एबडोमिनल ऑपरेशन, जैसे आप ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में एंटी एंटी एनएरोब्स सेफालोस्पोरिन सेफोजिटिन एंड सेफोटी10 आर यूजफुल। देखो सेफालोस्पोरिन्स की क्लासेस के ड्रग्स यूज़ की जाती है, जैसे सेफोक्सिटिन है और सेफोटी10 है, आर यूजफुल बट सफर फ्रॉम लिमिटेड अवेलेबिलिटी। ऑफकोर्स देखो लिमिटेड अवेलेबिलिटी भी है। अब फ्लोरोक्विनोलोन्स या अमिनोग्लाइकोसाइड्स पेड विद क्लिंडामाइसिन और मेट्रोनिडाजोल शुड प्रोवाइड एडिक्वेट कवरेज फॉर इंट्राएब्डोमिनल ऑपरेशन। देखो फ्लोरोक्विनोलोन जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, मॉक्सिफ्लॉक्सासिन है, ऑफ्लॉक्सासिन है वगैरह, कौन सा उसके क्लास के ड्रग्स को अमाइनोग्लाइकोसाइड्स या फिर अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के एग्जांपल्स कौन कौन से होते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन होते हैं, अमिकासिन होते हैं, नियोमाइसिन होते हैं, ठीक है। तो इसके ड्रग्स जो है क्लिंडामाइसिन या फिर मेट्रोनिडाजोल के साथ कॉम्बिनेशन में इंट्रा एब्डोमिनल ऑपरेशन के टाइम पे दे सकते हैं, ओके, ट्रीटमेंट के लिए। द हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस एडवाइजरी कमिटी अलाउज फॉर द यूज़ ऑफ वेंकोमाइसिन फॉर सर्जिकल प्रोफाइल एक्सेस व्हेन मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्ट्रेफलोकोकस ऑरियस रेट्स एट एन इंस्टीट्यूशन आर हाई। अनफॉर्चुनेटली हाई रेट ऑफ MRSA हैज़ नॉट बीन स्टैंडर्डाइज, बट द मोस्ट हॉस्पिटल्स रिपोर्टिंग MRSA रेट्स ग्रेटर देन 50%, द डेफिनेशन इज इरेलेवेंट। द इंक्रीजिंग प्रिवेलेंस ऑफ कम्युनिटी एक्वायर्ड मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफेलोकोकस ऑरियस इज इन पेशेंट एडमिटेड टू द हॉस्पिटल इज अ कंसर्न, ऑल्दो दिस पैथोजन इज ऑफन सेंसिटिव टू क्लिंडामाइसिन। वेंकोमाइसिन यूज मे नॉट ट्रांसलेट इन टू अ लोअर इंसिडेंस ऑफ SSI। फ्रिंकल स्टेन एंड associate found that the incidence of SSI between patient on cefazolin or vancomycin did not differ despite a high MRSA rate at the study institution, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर देखते हैं कि भाई मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफेलोकोकस ऑरियस जो रहता है ये थोड़ा सा कंसर्न होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत सारे ड्रग्स जो रहती है वो काम नहीं कर पाती है। अब ये सबसे ज़्यादा तो देखा नहीं गया, पर जिस हॉस्पिटल में देखा गया वहाँ पर 50% जो रहता है उसका रेट है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है फिर भी अगर क्लिंडामाइसिन है सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है पैथोजेंस के, तो ये दे सकते हैं। वेंकोमाइसिन जो है वो कहीं ना कहीं जो यूज़ मे नॉट ट्रांसलेट इन टू लोअर इंसिडेंस ऑफ SSI, ठीक है। तो वेंकोमाइसिन का यूज़ जो है वो अगर यूज़ भी करते हैं तो थोड़ा सा मतलब लो सर्जिकल साइट इन्फेक्शन नहीं कर पाता, ठीक है।
हाउ आर पेशेंट हु रिसीव्ड सेफाजोलिन वर मोर लाइकली टू डेवलप एन SSI ड्यू टू MRSA। देखो पेशेंट जो सबसे ज़्यादा सेफाजोलिन, पेशेंट को अगर सबसे ज़्यादा सेफाजोलिन एडमिनिस्टर करते हैं तो उसके अंदर MRSA के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, न्यूअर एंटीमाइक्रोबियल हैव नॉट डेमोन्स्ट्रेटेड सुपीरियरिटी इन द प्रिवेंशन ऑफ SSI एंड शुड बी रिजर्व फॉर ट्रीटमेंट ओनली। कार्बापेनम्स, एंटी सुडोमोनल पेनिसिलिन एंड थर्ड और फोर्थ जनरेशन सेफालोस्पोरिन्स आर नॉट अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक फॉर सर्जिकल प्रोफाइल एक्सेस। सो बेसिकली हियर व्हाट वी सी, कार्बापेनम्स, एंटी सुडोमोनल पेनिसिलिन एंड थर्ड और फोर्थ जनरेशन सेफालोस्पोरिन्स ड्रग्स आर नॉट अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक फॉर द सर्जिकल प्रोफाइल एक्सेस। ओवर यूज ऑफ दिस एंटीबायोटिक में कंट्रीब्यूट टू कोलैटरल डैमेज एंड द डेवलपमेंट ऑफ बैक्टीरियल रेजिस्टेंस। सो ओवर यूज ऑफ दिस टाइप ऑफ एंटीबायोटिक्स कैन विच लीड्स टू द कोलैटरल डैमेज एंड द डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस वी कुड सी। ओके, बीटा लैक्टम एलर्जी, देखो बीटा लैक्टम एलर्जी में देखते हैं फटाफट कि पेनिसिलिन एलर्जी इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रिपोर्टेड ड्रग एलर्जीज, कंसर्न ओवर क्रॉस रिएक्टिविटी में लिमिट द। ओके, तो देखो पेनिसिलिन एलर्जी बहुत ज़्यादा लोगों में देखी जाती है। ठीक है, तो इसके जो एडवर्स इफेक्ट होते हैं वो एनाफाइलेक्सिस होते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी कॉज कर सकते हैं या फिर बहुत सारे इसके एडवर्स इफेक्ट है, पर इसके एलर्जी टेस्टिंग करके हमें कोई दूसरी ड्रग्स एडमिनिस्टर करनी चाहिए। ठीक है, और क्रॉस सेंसिटिविटी बिटवीन पेनिसिलिन एलर्जी एंड सेफालोस्पोरिन इज़ लो। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्रॉस सेंसिटिविटी जो है वो थोड़ी लो है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ एंटीमाइक्रोबियल प्रोफाइल एक्सेस। यहाँ पर हमने रूट में बात करा था कि भाई ओरल नहीं देना चाहिए, इंट्रावेनस ही होना चाहिए या फिर पेरेंटल रूट होना चाहिए, पर मोस्ट प्रोबेबली इंट्रावेनस ही होता है। ठीक है, तो इंट्रावेनस एंटीबायोटिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द मोस्ट कॉमन डिलीवरी मेथड फॉर सर्जिकल प्रोफाइल एक्सेस। इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन इंश्योर्स कंप्लीट बायोअवेलेबिलिटी वाइल मिनिमाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ पेशेंट स्पेसिफिक वेरिएबल्स। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल्सो यूज इन सम बाउल ऑपरेशन। ओके, तो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ यूज़ करते हैं, कुछ बाउल ऑपरेशन में। ओके, यूज कर सकते हैं। नॉन एब्जॉर्बेबल कंपाउंड्स लाइक एरिथ्रोमाइसिन बेस एंड न्यूमाइसिन आर गिवन अप टू 24 hours प्रायर टू सर्जरी टू क्लींस द बाउल। सो बेसिकली देखो अभी नॉन एब्जॉर्बेबल कंपाउंड्स जो लेते हैं लाइक एरिथ्रोमाइसिन एंड न्यूमाइसिन बिफोर 24 hours ऑफ सर्जरी हम इसको एडमिनिस्टर करते हैं। ठीक है, नोट डेट ओरल एजेंट्स आर यूज एडजेंटली एंड डू नॉट रिप्लेस IV एजेंट्स। ऑफकोर्स देखो ओरल एजेंट जो है यूज करते हैं एडजंक्टिवली, देखो बेसिकली कॉम्बिनेशन में यूज़ कर सकते हैं बट IV को रिप्लेस नहीं कर सकते। ठीक है, टाइमिंग ऑफ फर्स्ट डोज ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो टाइमिंग ही तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। करेक्ट टाइमिंग ऑफ एंटीबायोटिक एडमिनिस्ट्रेशन इज इम्परेटिव टू प्रिवेंटिंग सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। द नेशनल सर्जिकल इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रोजेक्ट रिकमेंड्स इन्फ्यूजिंग एंटीमाइक्रोबियल फॉर सर्जिकल प्रोफाइलेक्सिस विदिन 60 minutes ऑफ द फर्स्ट इंसिजन। ओके, तो सबसे पहला देखो नेशनल सर्जिकल इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रोजेक्ट रिकमेंड क्या रिकमेंड करती है कि एंटीमाइक्रोबियल है सर फॉर सर्जिकल प्रोफाइलेक्सिस विद इन 60 minutes ऑफ फर्स्ट इंसिजन। 60 minutes के अंदर, पहले इंसिजन के 60 minutes के अंदर उसको एडमिनिस्टर करना मांगता है। ठीक है, तो वो जो है ये करेक्ट टाइमिंग है। एक्सेप्शंस टू दिस रूल आर फ्लोरोक्विनोलोन्स एंड वैनकोमाइसिन विच कैन बी इन्फ्यूज्ड 120 minutes प्रायर टू अवॉइड इन्फ्यूजन रिलेटेड रिएक्शंस। अब यहाँ पर एक्सेप्शन है फ्लोरोक्विनोलोन्स और वैनकोमाइसिन जो है वो 120 minutes के पहले या उसको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, इन्फ्यूजन रिलेटेड रिएक्शंस वगैरह। प्रिंसिपल ऑफ एंटी माइक्रोबियल प्रोफाइल एक्सेस, स्टडीज़ हैव फाउंड डेट, देखो टाइमिंग ऑफ फर्स्ट डोज में वही है कि स्टडीज़ हैव फाउंड डेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एंटी माइक्रोबियल शुड बिगेन एज क्लोज टू द फर्स्ट इंसिजन एज पॉसिबल। दिस इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द एंटीबायोटिक विद शॉर्ट हाफ लाइफ सो दैट थेरापेटिक कंसेंट्रेशन आर मेंटेन ड्यूरिंग द ऑपरेशन एंड रिड्यूसेस द नीड फॉर रिडोजिंग। बिगिनिंग द इन्फ्यूजन आफ्टर फर्स्ट इंसिजन इज ऑफ लिटल वैल्यू इन प्रिवेंटिंग सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। Stone and associates found that the administration of the antimicrobial after the first incision had SSI rate similar to patients who do not receive prophylaxis. देखो basically क्या होता है कि सर्जिकल, देखो जैसे इंसिजन होता है तो उस टाइम पे फर्स्ट इंसिजन के टाइम पे जितना ज़्यादा मतलब अभी जैसे जितना ज़्यादा परफेक्ट टाइमिंग होगा
उतना ज़्यादा थेरापेटिक कंसंट्रेशन अचीव होगा। तो हाफ लाइफ जो रहेगी वो उसकी ऑलरेडी कम होती है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए दिया जाना चाहिए, ठीक है, या फिर रीडोजिंग कर सकते हैं, ठीक है, सेकेंड डोज वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। तो ये एक है डोजिंग एंड रीडोजिंग। अब पहले हमने क्या देखा, देखो पहले हमने देखा टाइमिंग ऑफ फर्स्ट डोज, ठीक है। सबसे पहला अपन ने देखा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सेकेंड देखा टाइमिंग ऑफ फर्स्ट डोज, और अब थर्ड वाला जो है डोजिंग एंड रीडोजिंग। ओके, तो यहाँ पर गोल्स ऑफ एंटीमाइक्रोबियल डोजिंग फॉर सर्जिकल प्रोफाइलेक्सिस इज टू मेंटेन एंटीबायोटिक कंसंट्रेशन अबाउट द मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन ऑफ सस्पेक्टेड ऑर्गेनिज्म फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द ऑपरेशन। डोजिंग रिकमेंडेशन कैन वेरी बिटवीन इंस्ट्रक्शंस इंस्टीट्यूशंस एंड गाइडलाइंस। क्लिनिकल एलिमेंट शुड बी एक्सरसाइज रिगार्डिंग डोज मॉडिफिकेशन फॉर रीनल फंक्शन। देखो बेसिकली देखो डोजिंग और रीडोजिंग में क्या होता है, अगर पेशेंट जो है लीवर फेलियर है और रीनल फेलियर भी है तो यहाँ पर जो है डोज वेरी करती है, यहाँ पर जो कैलकुलेशन करना पड़ेगा डोज कैलकुलेशन होता है, ठीक है। तो उन पेशेंट में टॉक्सिसिटी नहीं कर सके, मतलब जब ड्रग एडमिनिस्टर करें तो वहाँ पर वो जो थेरापेटिक कंसंट्रेशन भी अचीव हो और दूसरा की ड्रग टॉक्सिसिटी नहीं कर सके, इजीली एक्सक्रीट आउट हो जाए बॉडी से, ठीक है। क्लिनिकल जजमेंट शुड बी एक्सरसाइज रिगार्डिंग टू दोज मॉडिफिकेशन फॉर रीनल फंक्शन एज एंड एस्पेशली वेट, ठीक है। ओके, ओबेस पेशेंट ऑफन रिक्वायर हायर डोज देन डू नॉन ओबेस पेशेंट। अब यहाँ पर देखते हैं कि ओबेस जो पेशेंट होते हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा डोज रिक्वायर्ड होता है एज़ कम्पेयर टू द नॉन ओबेस पेशेंट्स। फोर्स एंड एसोसिएट्स शोड दैट मॉर्बिडिटी ओबेस पेशेंट बॉडी मास इंडेक्स ग्रेटर देन 40 हू रिसीव्ड 2 ग्राम ऑफ सेफाजोलिन हैड अ लोअर इंसिडेंस ऑफ SSI कम्पेयर टू द पेशेंट रिसीविंग 1 ग्राम। अभी जैसे अकॉर्डिंग टू द BMI बॉडी मास इंडेक्स, अगर जिसका बॉडी मास इंडेक्स 40 से ज़्यादा है तो अगर वो 2 ग्राम सेफाजोलिन रिसीव कर रहा है तो उसके अंदर चांसेस जो इंसिडेंस है सर्जिकल साइट इन्फेक्शन के वो कम है एज़ कम्पेयर टू द 1 ग्राम ऑफ। तो जो पेशेंट होता है वो अगर 1 ग्राम रिसीव कर रहा होता है तो उसमें ज़्यादा इंसिडेंस होते हैं SSI डेवलप होने के। नंबर डोजिंग और रीडोजिंग में दूसरा चीज़ है कि गाइडलाइंस सजेस्ट डेट इफ इन ऑपरेशन एक्सिस टू हाफ लाइफ ऑफ द सिलेक्टेड एंटी माइक्रोबियल देन अनदर डोज शुड बी एडमिनिस्टर्ड। ओके, रिपीट डोजिंग हैज़ बीन शोन टू लोअर रेट्स ऑफ SSI। फॉर एग्जाम्पल सेफाजोलिन हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ अबाउट 2 आवर्स, दस अनदर डोज शुड बी गिवन इफ द ऑपरेशन एक्सिस्ट 4 आवर्स। ओके, तो सेफाजोलिन की जो हाफ लाइफ है वो 2 आवर्स की होती है, तो अगर समझो कि ऑपरेशन जो है 4 आवर्स से ज़्यादा है तो सेकेंड डोज भी देना, मतलब वापस से उसको सेकेंड डोज भी देना पड़ेगा। द क्लिनिशियन शुड हैव एक्स्ट्रा डोजेस ऑफ एंटीबायोटिक रेडी इन केस एन ऑपरेशन लास्ट लॉन्गर देन प्लान्ड। ओके, सो नाउ दिस इज़ नंबर 4 ड्यूरेशन। तो फिर से अगर पहली एक छोटा सा रिवाइज मान लेते हैं कि फर्स्ट नंबर पे क्या था, फर्स्ट नंबर पे था रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, सेकंड नंबर पे था टाइमिंग ऑफ फर्स्ट डोज, और थर्ड नंबर पे था डोजिंग एंड रीडोजिंग, और फोर्थ नंबर पे है ड्यूरेशन। ओके, सो नंबर 4 पे ड्यूरेशन। द नेशनल सर्जिकल इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रोजेक्ट एंड पब्लिश्ड एविडेंस सजेस्ट दैट द कंटिन्यूएशन ऑफ एंटीमाइक्रोबियल प्रोफाइलेक्सिस बियॉन्ड वुंड क्लोजर इज अननेसेसरी। स्टडीज हैव नॉट शोन बेनिफिट फॉर एडिशनल डोजेस ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड ड्यूरेशन ऑफ एंटीमाइक्रोबियल प्रोफाइलेक्सिस शुड नॉट एक्सिस 24 आवर्स। ओके, सो एंटीमाइक्रोबियल प्रोफाइलेक्सिस शुड नॉट बी एक्सिड 24 आवर्स, और अकॉर्डिंग टू द नेशनल सर्जिकल इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रोजेक्ट पब्लिश्ड एविडेंस सजेस्ट डेट द कंटिन्यूएशन ऑफ एंटीमाइक्रोबियल प्रोफाइलेक्सिस बियॉन्ड वुंड क्लोजर इज अननेसेसरी। नाउ वी कैन सी आउटकम इवेल्युएशन। द क्लिनिशियन शुड कंसिस्टेंटली फॉलो अप पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट एंड स्क्रीन फॉर एनी साइन ऑफ SSI, ठीक है। ये जो है ये आउटकम इवेल्युएशन है कि इसको कैसे रोका जा सकता है या किस टाइप से इसको करेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो क्लिनिशियन शुड कंसिस्टेंटली फॉलो अप पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट एंड स्क्रीन फॉर एनी साइन ऑफ सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। अकॉर्डिंग टू द CDC क्राइटेरिया SSI में अपीयर अप टू 30 डेज आफ्टर एन ऑपरेशन एंड अप टू 1 ईयर इफ अ प्रोस्थेटिक इज इम्प्लांटेड। तो दिस पीरियड इज ऑफन एक्सटेंड बियॉन्ड हॉस्पिटलाइजेशन, सो पेशेंट शुड बी एजुकेटेड ऑन वार्निंग साइंस ऑफ SSI एंड बी एनकरेज्ड टू कॉन्टैक्ट अ क्लिनिशियन।
इमीजिएटली इफ नेसेसरी द प्रेजेंस ऑफ फीवर और ल्यूकोसाइटोसिस इज इन द इमीजिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड डज नॉट कंस्टिट्यूट SSI एंड शुड रिजॉल्व विथ प्रॉपर पेशेंट केयर. डिस्टल इन्फेक्शंस सच एज निमोनिया आर नॉट कंसिडर्ड SSI इवन इफ दिस इन्फेक्शन ऑकर्स इन द 30 days. ओके अभी निमोनिया इज नॉट कंसिडर्ड एज एन SSI इफ दिस ऑल प्रोसीजर has happened under 30 days. Okay, the appearance of the surgical site should be checked regularly and any changes documented. Example, erythema, drainage or pus. The presence of pus or other signs suggestive of SSI must be treated accordingly. Any wound requiring incision and drainage is considered an SSI regardless of appearance. Prompt culture should be collected and appropriate antimicrobial therapy initiated to reduce any chances of morbidity and mortality. So basically I have developed this chart. Okay, so let's go through with this as soon as possible. Okay, देखो basically हमने आज क्या देखा, एक छोटा सा revise मान देते. Surgical prophylaxis of an antibiotics में surgical site infection होते हैं, extra abdominal और inter abdominal. अभी extra abdominal operations जो करते हैं उनका थोड़ा less chances होता है surgical site infections develop होने का. और हमने ये भी देखा कि अकॉर्डिंग टू द बहुत सारे CDC वगैरह जो थे उन्होंने बताया कि एक्स्ट्रा एब्डोमिनल ऑपरेशंस जो कराते हैं उसमें सबसे ज़्यादा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं, ठीक है, और इंटर एब्डोमिनल में ग्राम नेगेटिव. और इसके हमने ट्रीटमेंट भी देख लिया, प्रोफाइलेक्सिस ट्रीटमेंट, ठीक है. और फिर SSI में मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नोजोकॉमिल इन्फेक्शन है जैसे हमने देखा था. फिर दो टाइप के SSI होते हैं, ऑर्गन स्पेस SSI और इंसिजनल SSI. ऑर्गन स्पेस एनाटॉमिकल साइट अदर देन दी इंसाइज्ड एरिया. इसमें हमने क्या देखा था, इसका एग्जांपल हमने देखा था मेनिनजाइटिस वाला, ठीक है. इंसिजनल SSI जिसमें सुपरफिशियल इंसिजनल SSI और डीप इंसिजनल SSI. सुपरफिशियल में बताया मैंने स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू, और डीप इंसिजनल SSI डीप सॉफ्ट टिश्यू ऑफ इंसिजन. ओके, फिर हमने देखा एपिडेमियोलॉजी जो कि दो चीज़ के ऊपर बेस्ड होते हैं, एक तो पेशेंट और दूसरा ऑपरेटिव कैरेक्टरिस्टिक. ऑपरेटिव कैरेक्टरिस्टिक पे भी पेशेंट का रोल होता है, पेशेंट और हेल्थ केयर वगैरह का रोल होता है, ठीक है. तो फिर हमने देखा पैथोफिजियोलॉजी देखी, फिर टाइप्स ऑफ सर्जिकल ऑपरेशन देखा जैसे क्लीन कंटामिनेटेड और कंटामिनेटेड. फिर हमने माइक्रोबायोलॉजी देखा, फिर चूजिंग ऑफ एंटीबायोटिक्स देखा, और भी बहुत कुछ देखा है. तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो यार, ठीक है, और पूरा देखो यार, पूरा वीडियो देखा हो तो. अब तक अगर जिसने हमारा पूरा वीडियो देखा है, ये वाला वीडियो अगर जिसने पूरा देखा है तो यार कॉन्ग्रेचुलेशन यार, ठीक है. और नए हो तो यार सब्सक्राइब भी कर दो और शेयर कर दो यार अपने फ्रेंड्स को, ठीक है. थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच, बाय.